इंडिया एवं पाकिस्तान रो हाई वोल्टेज मैच ये जो मैच रही समस्त नजर रही था मैच उपर जो कह सहित आज अच्छा गोविंद प्रधान अच्छा जे कि वर्तमान रणजी प्लेयर एवं जो कह पूर्वतन कैप्टेन ओडिशा सीधा सहित आलोचना करवा जो इंडिया और पाकिस्तान मैच रो भाई मैच रो भारतीय दल केमी परफॉर्मेंस कर कौन रणनीति र डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान सब हाई वोल्टेज मैच रही एंड प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस देखिए आईसीसी कौन सी इवेंट जमी इंडिया को पाकिस्तान हर ना बट से चेंज होता एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर तापरे भी वर्ल्ड कप रे इंडिया पाकिस्तान को हरेची डेफिनेटली पाकिस्तान टीम भी बहुत भल टीम फास्ट बॉलिंग लाइनअप बहुत भल अच्छी एंड सेम इंडिया रो बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही टॉप क्लास अच्छी बहुत भल मैच देखा मिले बहुत कंपिटेटिव मैच देखा मिले देखो जो कह वेदर मत से ठीक ना वर्षा होगा चान्स अच्छे इंडिया फास्ट फास्ट अफ अल कौन आगे पड़ो सेटा तो डिपेंड करे कैप्टेन सिचुएशन देखिकी बिकज जेहेतु दुई दिन पूर्व फोरकास्ट आसी कि वेदर खराब अच्छी बट वेदर खराब रे बेसी किसी स्ट्राटेजीज वाइज तो प्लानिंग चेंज से इंस्टेंटली करा जाए दुई दिन पूर्व तो से करी रखे नहीं कते ओवर मैच हो पार कि कंप्लीट मैच हो समय ही जना पड़ फोकस फोकस तो आज ईच एंड एवरी 15 to 15 प्लेयर समस्त फोकस रोक किए कौन कर बहुत इंपोर्टेंट एंड इंडिया पाकिस्तान मैच जमी गोटे इंटरनेशनल मैच रे जदि 100 कैमेरा लगी था इंडिया पाकिस्तान मैच रे मो हिसाब बोले 200 कैमेरा लगी था प्लस ऑडियंस मानक कैमेरा अच्छी एंड लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखा जी जमी रोहित शर्मा रो बैट रू टिके रन्स एत आसीनी बट एम बहुत बड़ प्लेयर आउ ये सब अपेक्षा करती बड़ स्टेज पर जदि से फर्म्रे जुजुचान देन से बड़ बड़ प्लाटफर्म ही खोजती कि सही आसिक कम बैक् कर कंट्री को जिते कि बिकज एम गिवेन ए चान्स गिवेन ए डे से गोटे गोटे बड़ बड़ मैच विनर देखो पाकिस्तान जो कह शाहीन आफ्रिदी क्या कहतु नसीम शाह क्या कहतु एम बोलिंग आटाक बहुत स्ट्रंग अच्छी तो अलग परफॉर्मेंस देखा बहुत स्ट्रंग रही भारतीय दल कि फेस कर डेफिनेटली खाली आपण पाकिस्तान जो फास्ट बोलिंग लाइनअप ही कहे फास्ट बोलिंग लाइनअप पाकिस्तान बहुत बढ़िया अच्छी एंड नंबर वन अच्छी मो हिसाब से वर्ल्ड में सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिते बड़े बैटिंग लाइनअप हिसाब से जी कहे तो इंडिया बैटिंग लाइनअप नंबर वन अच्छी वर्ल्ड क्लास रे सो जस्ट बैट बॉल रो गेम गिवन अ डे से दिन में किए से जो एक्चुअली आम क्रिकेट स्किल वाइज सबकि सेम बट से दिन इंडिया पाकिस्तान मैच जिते लोकर जो से आवाज आउ एक्सपेक्टेशन थाए से प्रेसर को जी जल्दी भल से अब्जर्व कै सी से दिन भल प्लेयर हो बाहर देखो जो कह भारतीय दल जी बैटिंग आज निए फास्ट बैटिंग पावर प्लेयर जी कह आम प्रायत कम हुए रन पावर प्लेयर आम एत कर पावर प्लेयर को बेस फोकस आल रहा फोकस रे देखु ये आप जो प्रश्नटा अच्छे यहाँ इंटरनल टीम मैनेजमेंट से मैंने कोई स्ट्राटेजी प्लान करापर कोच कैप्टेन सीनियर प्लेयर से मैंने को प्लान करेंगे एंड देखा पड़ो कि सिचुएशन इन द सेंस कि कंडीशंस कौन भल अच्छी से समय जदि इंडिया बैटिंग करुच्ची आउटफिल्ड स्लो थी एंड से पावर प्लेयर जब कम विकेट जीव तो थ्रू लेटर स्टेज रे से माने सेटा को कवर अप करी कि 300 प्लस रन्स करी पाएगे इफ प्रायर विकेट्स इन हैंड सो से सिचुएशन रे कौन बिकज जेहेतु फोरकास्ट खराब अच्छी आगु दे दीजिए कि वर्षा हो पारे या वर्षा हो पारे कि मैच 50 ओवर हो पारे बट वर्षा हो जापे जहाँ जो आउटफिल्ड टी हेवी थाए तो डिपेंड करे सही सिचुएशन रे कौन से टीम मैनेजमेंट से देखिक ही कर पारे मेन फोकस रहीगला बुमरा बुमरा बर्तमान इंजरी पर आसी से कमी परफॉर्मेंस करेंगे और जो कह भुवनेश्वर कुमार नापटे राजदीप सिंह भी नाक कि प्रभाव पड़े प्रभाव इन द सेंस कि देखो आजिका डेट रे खाली इंडिया ही नुह सब कंट्री रो प्लेयर्स मैंने सब वे अंटोज रोचा जमती बुमरा लास्ट 10.5 months 11 months क्रिकेट रू दूर को थे बट जिते कम बैक् कला जाए कि आयरलैंड सागर खेलुले सी से एफर्ट्रे खेलुले जना सेतिकी जेतिकी देखा गला बट डेफिनेटली एते दिन पर जेते इंटरनेशनल कम बैक करछु तो तांकु टिके समय दरकार बट बुमरा बहुत बड़ ना तो तांको ऊपर भी एक्सपेक्टेशन बहुत रहबो से प्रेशर तांको ऊपर रहबो और से प्रेशर को से सेटा को एब्जॉर्ब करुचंती बोली ही से जसप्रीत बुमरा एंड डेफिनेटली भलो करिवे मु एक्सपेक्ट करछु बाबर आजम रिजवान तांकर खेल तो देखिले रिसेंटली केते मैच बहुत भलो परफॉर्मेंस करछु भारतीय दल टिके बैकफुट लागियो बैकफुट रे से बाबर आजम भलो अछि बोली बैकफुट रे भारतीय टीम केबे भी
ନାହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ କି ଯିଏ ବି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଇଫ୍ ନଟ୍ ତ କେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ ରନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ବିକଜ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେତିକି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡଟ୍ ବଲ୍ ହୁଏ ସେତିକି ପ୍ରେସର ସିଏ ସେତିକି ନିଜେ ନିଜେ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତିନି ଚାରି ରକମର ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଖେଳିଥିଲୁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂରେ ଆସିଥିଲୁ ଅର୍ଶଦୀପ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ବି କଲା ତ ଏବେ ଆଜି ଅର୍ଶଦୀପ ନାହିଁ ତ ତା ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ କେତେ ସ୍କୋର ହେଲେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ତ 300 ପ୍ଲସ୍ ରନ୍ସ ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଟ୍ ୱିକେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇପାରିବ ଯିଏ ସେଠି ଖେଳିବେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏହା ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ଆଜି ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟେ ଗୋଟେ ହେବ ଆଶା ରହିଛି ଭାରତ ଆଜି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ ଯାହା ଯାହା ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି ବିରାଟ କୋହଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରୋହିତ ଶର୍ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ଆମର ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ବୁମ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଖେଳୁଛି ରାଉରକେଲାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଇଟି ଭାରତ